क्या क्या समस्याएं होती है इस पानी की वजह से आपको? इधर डेंगू होता है, मलेरिया होता है, मेरे को भी एक महीने पहले मलेरिया भी हो गया था और उसके बाद इतना मुझे पेन हुआ। कई बार मीटर पे कंप्लेंट कर चुके हैं। दुकानदारों को तो परेशानी होती होती है, कस्टमर नहीं आना, कहीं व्हीकल खड़े करने की समस्या, ऊपर से वहाँ पे गड्ढा है सामने रोड, और गाड़ी मंजना पलट जाती है, सवारी के चोट लगती है, मंजना पानी भर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल के उस वादे की ओर जो वो हर चुनावी मंच से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल का वह वादा कि वो हर घर तक पानी पहुँचाएंगे, वो आज दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी सड़क के माध्यम से ही हर घर तक, हर दुकान तक मुफ्त पानी पहुँचाने का वादा अरविंद केजरीवाल द्वारा पूरा किया जा चुका है। ये हाल दिल्ली की किराड़ी का तब है जब ये एक बारिश का मौसम नहीं है। यहाँ पर लोगों को इससे जो समस्याएं हो रही हैं, जो इससे बीमारियां फैल रही हैं, उसको लेकर तो हम इससे इस पर बात करेंगे ही, परंतु जो करोड़ों के विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया जाता है, जो डेंगू के खिलाफ विज्ञापन निकाले जाते हैं, मलेरिया के खिलाफ विज्ञापन निकाले जाते हैं, वो यहाँ पर ध्वस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि विज्ञापन से डेंगू रुके या ना रुके, परंतु अगर ऐसी सड़कों को साफ करा दिया जाए तो ऐसे क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां ज़रूर रुक सकती हैं। आइए हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपकी पूजा पाठ की दुकान है, पूजा पाठ का सामान मिलता है जो बहुत पवित्र माना जाता है, और ऐसे में यही गंदगी दुकान के जस्ट सामने है, क्या विचार है? सर, बहुत बुरा लगता है, कस्टमर आने में दिक्कत मानता है, कस्टमर डायरेक्ट ही बोलता है कि भाई हम आप दुकान पे नहीं आएंगे क्योंकि हम बाइक नहीं खड़ी कर सकते और इस गंद में हम आपकी दुकान पे नहीं आ सकते। अच्छा, पार्किंग की समस्या बनती है? पार्किंग ही मेन समस्या है, और मेन है ये गंदगी, जो ये पानी है गटर का पानी है, ये और सही पानी नहीं है। तो इससे कोई मच्छर वगैरह भी होते हैं दुकान के वक्त, शाम के वक्त दुकान में? बिल्कुल होते हैं सर, मच्छर भी होते हैं और बीमारियाँ भी होती हैं, क्योंकि जो बंदे चप्पल में चलता है यहाँ पर उसके पैर भी गल जाते हैं। और कुछ हादसे वगैरह अगर सड़क पर होते हों इस पानी के जैसे गड्ढों की वजह से? बिल्कुल होते हैं सर, वहाँ पे कोई गड्ढा है उसको ना भरा जा रहा है ना कुछ उसका असेंबल किया जा रहा है, उसमें बंदे गिरते भी हैं और बहुत देर चोट भी लगती है। कभी कंप्लेंट वगैरह करी गई हो क्षेत्रीय विधायक को? कंप्लेंट बहुत करी गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने सालों से समस्या बनी हुई है? पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू समस्या बनी हुई है, कोई इसका समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है। तो आपने देखा किस प्रकार से क्षेत्रीय लोग यहाँ पर परेशान है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि हर दुकान के आगे पानी भरा होना एक बहुत बड़ी समस्या है कि ग्राहक कहाँ पर आए, ग्राहक अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें, ये बहुत बड़ी समस्या ग्राहकों के आगे बनती है। वो इसी चीज़ को लेकर दुकान वालों से सवाल भी करते हैं, परंतु दुकान वाले जो इस चीज़ को लेकर कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, जिनकी खुद कहीं सुनवाई नहीं हो रही, वो इसी चीज़ की वजह से परेशान है क्योंकि इनकी दुकानदारी कम हो गई है इसी जल भराव को लेकर। जो नाली का गंदा पानी सड़क पर आ गया है इसके चलते लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? राकेश कुमार। यही आपकी दुकान है, घर है? क्या शॉप भी है, घर पीछे है। हाँ जी, हाँ जी। सर, क्या क्या समस्याएं होती है सड़क पे, जो पानी भरा हुआ नाला बन चुकी है पूरी सड़क? दुकानदारों को तो परेशानी होती होती है, कस्टमर नहीं आना, कहीं व्हीकल खड़े करने की समस्या, ऊपर से वहाँ पे गड्ढा है सामने रोड पे, देखोगे तो पानी के अंदर एक गड्ढा है, उसके अंदर डेली 2-4 रिक्शा पलटना, कभी किसी का बच्चा बाइक पलटना, डेली आम बात है। PWD वाले आते हैं, कंप्लेन कर रखी है, मलबा वगैरह होता वो डाल जाएंगे टेम्परेली, 2-4 दिन में फिर वो गड्ढा शुरू हो जाता है। और रात के टाइम पे यहाँ मच्छरों की इतनी पता दाद है कि सर्दी के टाइम में भी हमारे को पंखा चलाना पड़ जाता है, कोयल लगानी पड़ती है, तब जाके मच्छर निकलते हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी बढ़ेंगी यहाँ पे, तो मैंने कह रहा हूँ बैठा नहीं जा रहा, शाम के टाइम तो बैठने की तो समस्या है, और दिन के दिन तो पूरा गंदा पानी और कुछ नहीं है यहाँ। अभी 4 दिन पहले निकाल के गए हैं, ये कचरा देखिए यहाँ पे, पर इसको ना उठाने वाला कोई आएगा, ये धीरे धीरे इस पानी के अंदर मिल जाएगा और इसी के अंदर वापसी हो जाएगा। कस्टमर क्या क्या इसके खिलाफ शिकायतें करते हैं आपसे? कस्टमर कहते हैं कि भैया ये पानी का समाधान करा, तो हम तो कोई सर या तो मंत्री है नहीं आगे, ना PWD के ना किसी से, हम तो ये कहते हैं भाई जाओ इकट्ठे हो जाओ, निगम पार्षद के पास चलते हैं या MLA के पास चलते हैं, लेकिन वही बात है कि अरे नाला बनाएंगे दोबारा, पता नहीं कब बनेगा इसका, वो क्या टेंडर उठ चुका है, ये है वो है, होना कुछ नहीं इसका। कितने साल हो गए सर ऐसी समस्या को? कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2-2.5 साल से टेंडर ही नहीं हो रहा, अब टेंडर उठा है वो भी पता नहीं कब बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ जी, आने वाले चुनावों में फिर इसका जो ये सड़क की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, तो सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है क्षेत्र में? सत्ता का तो ये है, वोट यदि देखो मैं बताता हूँ, यदि
केजरीवाल को देख के दोगे तो मिल सकती है, वरना विधायक जी हमारे को तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलने की उम्मीद है। मतलब मुख्यमंत्री से आप खुश हैं पर विधायक से? विधायक ने कुछ नहीं कराता, ये बेमतलब का काम है। अभी कुछ दिन पहले सारी 70 फुट के एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया था, आधा घंटा भी धरना प्रदर्शन नहीं चलने दिया, पुलिस वाले आए उठा के लेके दुकानदारों को, फिर छोड़ दिया। जिस चीज़ के विरोध में प्रदर्शन था? नाले के ऊपर, पानी के ऊपर, हाँ इसी का धरना भी दौड़ किया था। सारी मार्केट बंद हुई थी पूरी की पूरी, ये 20 दिन पहले की बात है। 70 फुट रोड और मुबारकपुर रोड पे सब दुकानदारों ने जाम लगाया था, पर वही है, कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं। आखिरी में पुलिस के SHO साहब आए, 20 पुलिस वाले आए, 2-3 दुकानदारों को उठाया, चलो हटाओ हटाओ करके निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। तो एक तानाशाही भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले तो विधायक द्वारा सड़क पर कोई भी काम नहीं कराया गया, जो गड्ढे हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर हानि होती है, लोग गिर जाते हैं। प्रतिदिन बताया गया कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, छोटे बच्चों को भी कई बार चोट लगी है जिसके चलते, परंतु जब इसका विरोध किया जाता है विधायक के खिलाफ तो उसके बाद पुलिस आती है और लोगों को वहाँ से हटा देती है। ये वही बात होगी कि हम काम भी नहीं करेंगे और आपको विरोध भी नहीं करने देंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम खुश गुप्ता है। आप यहीं पर रहते हो किराड़ी में? हाँ। तो क्या क्या समस्याएं होती है इस पानी की वजह से आपको? इधर डेंगू होता है, मलेरिया होता है, मेरे को भी 1 महीने पहले मलेरिया भी हो गया था, और उसके बाद यह इतना मुझे पेन हुआ कि इसकी वजह से मैंने बहुत मास्क लगाना शुरू कर दिया, और मैं हमेशा जाता हूँ नॉर्मली। तो लोग यहाँ पर गिरते भी हैं इसकी वजह से, रोड पर एक्सीडेंट होते हैं? रोड पर तो इसमें बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, क्योंकि इधर की साइड गड्ढा है, लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए बहुत बार गिरे भी हैं लोग। अच्छा, आप खुद भी गिरे हो कभी? बहुत बार। अच्छा, आप भी गिरे हो? जी सर, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम जुबेर खान है। क्या क्या समस्या हो रही है पानी की? समस्या में विकलांग आदमी भी है, इस पे रोड पे निकलने में आने जाने में दिक्कत होती है, कितने आदमी, वो गड्ढा है, आप देख लो सामने आपके, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने रिक्शे पलटे, कितने आदमी वो चोटा जाते हैं, बच्चे लेके सारे गिर जाते हैं। ये कचड़ा की वजह से यहाँ का नेता कुछ सफाई उफाई कोई काम करने की राजी नहीं हो रहा, इसको सफाई ज़रूरी हो करना, ये सारा मलबा उठवा के सारा भरवाएं, ये नाला पूरा सफा करो, रोड सफा हो जाए। हम विकलांग आदमी आते जाते हैं, परेशानी सबको होती, पब्लिक जनता सबको परेशानी हो रही है। कोई कंप्लेंट करी गई हो विधायक को? कंप्लेंट बहुत ज़्यादा की है, कोई सुनने का राजी है ही नहीं। हाँ, ऋतुराज झा के पास आप खुद गए थे, मतलब किसी लोग? मैं तो नहीं गया वहाँ पे, मैं विकलांग आदमी कहाँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ? तो यहाँ आपकी दुकान है, घर है? नहीं, मैं तो यहाँ ऐसे आ रहा था, कहीं आके बैठ गया ऐसे यहीं पे। हाँ, थक गया, बैठ गया ऐसे ही आके मैं यहाँ पे। यहाँ पे तो ये बीमारियाँ भी फैलती होंगी, मच्छर वगैरह? सारे मच्छर, डेंगू, सारे सब फैलते हैं यहाँ, मच्छर सब शाम को बैठने जाते हैं आदमी, पब्लिक चल नहीं पाती यहाँ पे। अच्छा, बैठ भी नहीं पाती, इतने मच्छर हो जाते हैं। और मच्छर बहुत निकल लगते हैं यहाँ पे शाम के, और क्या, बदबू कितना फैला, देखो आपके सामने कूड़ा का कचरा लगा हुआ है नहीं, ये देख लो, आप खुद देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है जी। आपका नाम? फनदीप। ये छोले भटूरे की रेडी आप ही की है? हाँ। तो क्या समस्याएं आती है जो सड़क पर इस प्रकार से पानी भरा हुआ है, ग्राहकों को कोई दिक्कत आती हो? इस पानी की वजह से हमारे बहुत ग्राहक कम हो गए, नहीं आते हैं, इस पानी की वजह से नहीं आ पाते, इस पानी को जल्दी से ठीक किया जाए। कितने दिन हो गए ऐसे पानी भरे हुए सड़क पे? 1-2 महीने 3, ज़्यादा दिन हो गए इससे। पहले भी मतलब कितने सालों से ऐसा होता आ रहा है कि पानी भर जाता है सड़क पे? पहले तो ऐसा नहीं था, अब बहुत जल्दी से हो गया है। तो ग्राहक भी कुछ बोलते होंगे कि ऐसे गंदगी में खड़े होकर खाने में दिक्कत हो रही है? हाँ जी, हाँ बोलते हैं सर। हाँ जी सर, आपका नाम? संजय। आप यहीं पर रिक्शा चलाते हैं? हाँ, प्रेम नगर में। क्या क्या समस्या हो रही है पानी की वजह से आपके व्यापार में, क्या दिक्कतें आ रही है? अरे मोटर भुग जा रही है, 2500 की मोटर आती थी, 6000 रुपए की मोटर है, और गाड़ी मंचना पलट जाती है, सवारी के चोट लगती है, मंचना पानी भर रहा है, सबसे सबको दिक्कत, रिक्शे वाले मंचना जहाँ से रिक्शा टूट रहा है। आपके भी रिक्शे पलटे हैं कई बार? सवारी के चोट लगी, घोटू भी टूटे हैं, उधर ले जाके अपने ऊपर हॉस्पिटल में ले जाने पर अपने ऊपर जिम्मेदारी और लेगी उनकी। हाँ, आपको भी कभी चोट आई हो ऐसे? हाँ, चोट पैरों में खोत आई है कई बार। और रिक्शे को क्या क्या नुकसान होता है इससे? रिक्शे मोटर भुगती है सबसे पहले, गाड़ी आगे से मुंह टूट जाता है गाड़ी का। कोई कंप्लेंट वगैरह करी हो कभी विधायक? अरे कोई किसी ना, कोई कुछ ना करता यहाँ का, देखा नहीं, वहाँ कीचड़ डाल के मैं रोड बना दिया, वो कीचड़ डाला, मलबा डाला है, एक ट्रॉली मलबा, बाकी सब कीचड़ निकाल के ओके कर दिया वो। कितने साल हो गए सर ऐसी समस्या को यहाँ पर? क्या ही समस्या, बड़ा साल हो गए इसे तो। कितने हो गए होंगे, कम से एक डेढ़ दो साल तो? 2 साल जी करीब। जब से पानी आया अब से तो ऐसे गंदा हो ही रहा है। अच्छा। जब से मीठा पानी आया लोग भी बहुत फैला रहे हैं,
तो फिर तो अरविंद केजरीवाल का वादा पूरा हो गया घर घर तक पानी पहुंचाने का। देखिए घर घर तक पानी पहुंच रहा है। चलिए, खैर व्यंग एक अपनी तरफ है और दूसरा जो समस्याएं लोगों की हैं वो एक तरफ है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि रिक्शे भी कई बार यहाँ पर पलटे हैं जिससे सवारी को भी चोट आई है और इन्हें खुद कई बार चोट आई है, और रिक्शे का भी क्योंकि एक इलेक्ट्रिक रिक्शा है इसके भी कई बार पार्ट्स को नुकसान पहुँचा है, मोटर फूक गई है पानी की वजह से, इतने ऊपर तक यहाँ पानी भर चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जब यहाँ से गाड़ी निकल रही है आप देख पाएंगे कि टायर आधे से ज़्यादा स्कूटी का डूब चुका था पानी के अंदर, इतनी गहरी यहाँ इस सड़क के ऊपर यहाँ पानी भरा हुआ है। और अगर आगे की तरफ को जहाँ पर आप उस तरफ देखेंगे खंबे के साथ में उधर गड्ढे हैं दो तीन, जिसको जब भी कंप्लेंट करी जाती है तो पीडब्ल्यूडी द्वारा केवल मलबा डालकर भर दिया जाता है, परंतु इसका कोई पूर्ण समाधान अभी तक नहीं किया गया है। तकरीबन 2 साल से समस्या चलती हुई आ रही है और इसके बाद भी यहाँ पर लोग गिर रहे हैं, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है और इसके अलावा भी कई बीमारियाँ फैल रही हैं, परंतु जो क्षेत्रीय विधायक है, जो निगम पार्षद है, वो लोगों की समस्याओं की सुध नहीं ले रहे हैं और इसी प्रकार से समस्या किराड़ी विधानसभा में बरकरार हो रखी है। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगा हमारे पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है, देख आप देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंस कैसे भगाते हुए इस क्षेत्र से इनको ले जानी पड़ रही है यहाँ पर, और यदि अंदर जो पेशेंट है उसकी जान पर भी यहाँ पर समस्या आ सकती है। कई बार क्या होता है इधर जाम लग जाता है पानी भरने की वजह से, और कई बार क्या हुआ है कि जैसे रिक्शे पलटे हैं वैसे ही एक संभावना है कि एम्बुलेंस के अंदर भी जो मरीज है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है यहाँ पर जो गड्ढे हैं जो पानी भरा हुआ है उसकी वजह से, एक बहुत ही गंभीर समस्या जिसको यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने बार बार कंप्लेंट्स करी हैं, बच्चों ने भी बताया कि उनको क्या समस्या होती है, तो हम बस यही चाहेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा वादे किए गए थे उसको पूरा किया जाए और ऐसे जो क्षेत्र में उनकी जो ऐसी सड़कें हैं उनको बनाया जाए ताकि जनता को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या है और इस खबर के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि जो प्रशासन जो अपनी आंखें और कान बंद करके बैठा है उन तक ये वीडियो भी पहुंच सके, और ऐसी ही और खबरें पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।